हेलो गाइस, स्वागत है आपका अगर टू में। बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, अगर आपने नेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई किया इस बार प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो आप सबके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट 1 अप्रैल 2022 का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जारी कर दिया है यहाँ पे फाइनली। पहले 21 मार्च का था पहले, लेकिन अब 1 अप्रैल 2022 का अपलोड कर दिया है यहाँ पे। बाकी की जो लिस्ट है, जिन बंदों का मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इस बेस के अकॉर्डिंग उनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो जाएगा अप्रैल मंथ। इस मैंने बोला है कि अप्रैल मंथ का हो सकता है तो हो जाएगा मेरिट लिस्ट सिलेक्शन, क्योंकि बच्ची कुची पे आउट लिस्ट जो है अब जारी कर दी गई है एनएसपी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से। आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आपको कैसे देखना है और कैसे आपको डाउनलोड करना है चीज। आइए स्क्रीन पर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। हम आ चुके स्क्रीन पर, आपका एनएसपी स्कॉलरशिप टाइप कर लेना है आपको। सिंपल यहाँ पे देख लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। चलो हम प्री मैट्रिक पे स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लेते हैं, फिर आप सबका ऐसे देख सकते हैं जिसमें बता रहा हूँ आप लोगों को। प्री मैट्रिक है, मेरिट का मीन्स के, बेगर हजरम स्कॉलरशिप के, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं उनका पे आउट लिस्ट जारी हो चुका है 1 अप्रैल का। जिनका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उनका होने के चांसेस है, क्योंकि अब पे आउट उनको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद इसको पेस्ट कर देना है, इस चीज को कॉपी करके। उसके बाद पहली पहली वेबसाइट आएगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वाली, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी गॉव डॉट इन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देख रहे हो पहली पहली वेबसाइट, इसको क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको उसका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए एक अचीवमेंट का टाइप का बना हुआ एक ऑप्शन, अचीवमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एज ऑन 1/4/2022। अब देख लीजिए अच्छे से लिखा हुआ यहाँ पे, फाइनेंशियल 2021-22, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये डेट, देख लीजिए 1 अप्रैल 2022 का आ चुका है यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट दोबारा। तो जिन बंदों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इनके हिसाब से हो सकता है इनको पेमेंट मिलने वाला है फाइनली। ठीक है, अगर आपका भी नाम इसके अंतर्गत है या नहीं है इसे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कितने बंदों को रेशो मिला है यहाँ पे, कितने बंदों को पैसा मिलने वाला है वो डिपेंड करता है। अगर आपका नाम भी, अगर आपका स्टेट भी इसमें आता है, ठीक है, तो आपको 101% आपको मेरिट सिलेक्शन हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ असम की, बात कर लेते हैं असम वाले की, बात करते हैं असम में। आप देख सकते हैं तो असम में डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट रखा गया है 98.48% अमाउंट सेंड टू पेमेंट कर दिया गया है, 98% असम में किया गया है यहाँ पे। दिल्ली वगैरह में देख सकते हैं आप सब लोग। तो इस प्रकार से आप डाउन कर सकते हैं। डाउन कैसे करना है आपको, यहाँ पे जाना है सिंपली, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं इसको फटाफट, इसको डाउन कर लेंगे और इसको फटाफट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप में, शेयर कीजिए जिससे उनको भी लगे और ये हिसाब से यहाँ पे डाउन होने लग जाएगा। जैसे नीचे देख लिया आप, डाउन होने लग गया, इसको डाउन कर सकते हैं। बाकी जो है प्री मैट्रिक का दिखा दिया मैंने, पोस्ट मैट्रिक का, मेरिट का मीन्स और बेगम हजरत स्कॉलरशिप का भी ऐसे कर सकते हैं आप। कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट करके पहली बार वेबसाइट आएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, वहाँ पे जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी खुशखबरी आप सबके लिए, जो काफी दिन से इंतजार करते हैं मेरा सेंड टू पेमेंट हो गया, पेमेंट नहीं आ रहा, तो हो सकता है इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के बाद आपका नाम आ जाए और पेमेंट आपका आ जाए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया, इन्फॉर्मेटिव लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।